अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मेरा नाम सैयद अफसर है, मैं मदीपटनम ऑटो स्टैंड सर्विस होटल के बाहर बस स्टॉप पे मैं ऑटो यूनियन लीडर हूं। मैं ये हमारे भतीजे है, ये एक सलमान है हमारा भतीजा, ये बड़े भाई है और एक भतीजा हमारा सैयद। वो सलमान से वो जॉन की कुछ बहस हो गई गाड़ी लगाने के बारे में, तो उन्हें क्या करा बहसम बहसी में हो रही तो मेरे को फ़ोन करे, तो मैं आया आगे बात करा चुमे रात के दिन, हफ्ते के दिन बात करेंगे भाई बोल के बोला। उन्हें पूछा तो ठीक है, हमारे घर में ऐसा भाभी का ऑपरेशन चल रहा बोले, तो मैं बोला ठीक है बोल के चले गया। आज जो है सो प्लानिंग करके उन्हें बुला के 20 से 25 जनों को लेके आया सोटों के साथ, लेके आके इन लोग ठहरे हुए से गाड़ियाँ चला लेते कारोबार कर लेते ठहरे हुए, इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करा। वहाँ पे ऑलरेडी CCTV कैमरे लगे हुए हैं PS के, वो देख ले सकते हैं आप लोग। हमारी आसिफ नगर PS में कंप्लेंट ऑलरेडी दे दिए, MLC करा के है सुबह 10 बजे आओ बोले, और आसिफ नगर PS और SCP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, आप लोग इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक्शन लेके आज करा हम खामोश बैठ जाएंगे, कल दूसरों के साथ भी करता। ऑलरेडी इससे पहले भी उन्हें गैंग अटैक कर चुका है, उन्हें टोली चौकी पे ऑलरेडी का केसों में है, हुमायूं नगर PS में उसकी कंप्लेंट है, वहाँ से बुक हुआ से 15 से 20 जनों को 25 जनों को लाता सोंटे बैटों के साथ, हमला करता चले जाता, वहाँ पे बच्चों को छेड़ना, मेदीपटनम पे ड्राइवरों को गालियाँ बलोस करना, उसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा। अब बच्चे कुछ बोले होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनके लोगों से, उन्हें क्या करा जानलेवा हमला कर दिया प्लानिंग करके, हफ्ते के दिन बात करता हूँ बोल के आज 5 बजे के दिन टाइम हमला कर दिया इन लोगों के ऊपर कारोबार कर रहे, तो 20 से 25 जनों को बुलाया छोटे उटे लेके आया। अब सर उर फुटा टाके लगे, जान चले जाती तो कौन जिम्मेदार इसका। मैं गुजारिश करता हूँ DCP साहब से और सर्कल साहब से, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके भांजे भतीजे और उसके भाया जो भी है इसमें केस में इन्वॉल्वमेंट, इन लोगों को पूरों को अरेस्ट करके इन लोगों को जेल को भी जाना, और हमेशा इन लोग सोंटे उंटे लेके लोगों के ऊपर हमला करते प्लानिंग करके, बस यही गुजारिश है। लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई की वजह कुछ भी नहीं है साहब, वहाँ गाड़ियाँ लगाते लाइन में, उन्हें आता हमारे को गाड़ी लगाने जगह दियो बोलता, गाली खलोस करता, अब किसका नंबर है उन्हें लगेंगे जना, अब आके रोडिज्म करा तो हमेशा खून बर्दाश्त करते, बच्चे ऑब्जेक्शन करे होंगे क्या हुआ नहीं हम बोल के, कुछ बहस हो गई। अब उन्हें प्लानिंग करके जुमेरात को हुई बहस, अब उन्हें हफ्ते को बात करता हूँ बोल के प्लानिंग करके आज हमला कर दिया आके। उसका घर है कारवन में पाकिजा होटल के अपोजिट गली में रहता हूँ, उन्हें भी ऑटो ड्राइवर है, उसका भाई का नाम है, बड़े भाई का नाम जहीर है, उन्हें भी मकबरी करता हूँ वहाँ पे राज्य उन्हें चिंतलमेट में रहता जहीर है, उन्हें मकबरियाँ मकबरियाँ करते रहते उन लोग। अब ऐसा अगर मकबरों को हम छूट दे देंगे तो क्राइम दिन ब दिन बढ़ते रहता, हथियार ले लेके खुले हमारे बाइकों के ऊपर हमला कर रहे इन लोग, ऐसा कैसा निडर हो गया इन लोगों का, क्राइम ऐसा कैसा पड़ गया हैदराबाद में, शरीफ इंसान बाहर निकलने से डर रहा उठता, अब रात में कोई बाहर निकलने के वास्ते डर रहा भाई, दिन ब दिन मटर हो रहा, अब जान चली आ सकती थी, उतने जने हमला करे जानलेवा आके इनके ऊपर। मेरी कमिश्नर साहब से CCP DCP साहब से के लोगों के ऊपर जितने भी केस में इन्वॉल्वमेंट है, भाई उसका भाया उसके भतीजे भांजे और दोस्त जो भी है 20 से 25 जने हमला करे, इन लोगों को अरेस्ट करके जेल को भेजा के कार्रवाई करिए। मेरा नाम सरवर है, ये मेरा भाई है चाचा का बेटा, ये जुमेरात के दिन इलन की सलमान की और जॉन के भाईजा हो गए थे, हो गए तो जॉन बोला नहीं मैं हफ्ते के दिन बात करता हूँ, हमारे घर में प्रॉब्लम है वो हफ्ते के दिन बात करता हूँ, बोले तो अच्छी बात है बोल के खामोश बैठ गए थे। चाचा बोले हफ्ते दिन बात करते गए थे ना, अच्छी बात है बात करेंगे हफ्ते के दिन बोल के, बोले तो आ जाए थे हमला मेदीपटनम पे, दो जने थे उन लोग 20-25 जने थे, सोडे ब्याटा हुए लेके आगे मार दिए डायरेक्ट, कैमरों में भी हुआ सर पे है और बोलते सोया नाक पे है पे है करे मेरी बैठना बस स्टॉप।